राम राम बच्चों। ठीक है तो फ्रेंड्स ये देख लें, और ये स्कूल जो है खसूसन हिंदू बच्चियों के लिए है। गायत्री मंत्र। ओम भूर भुवः शिवः शक्तिर्भूर्भुवः रेयम भर्गो देवः सुदैमे यो योनः प्रचोदयात्। तो अपने इधर मंदिर वगैरह कोई है या घर पे ही बनाया हुआ? बस मंदिर नहीं है यहाँ पे, आप अच्छा घर पे पूजा वगैरह कर लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमर वगैरह आपके आते हैं वो हिंदू ज्यादा होते हैं कि मुस्लिम भी आते हैं? हिंदू ज्यादा होते हैं क्योंकि यह हिंदू विलेज में ना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है जी आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ जी फिर से एक हिंदू विलेज के अंदर। और बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं ये जो है विलेज है हमारा, और हिंदू विलेज है। इधर मैंने सुना था कि ना एक हमारा एक ट्यूशन सेंटर खुला हुआ है, मतलब कि एक बच्चों का स्कूल खुला हुआ है जिसमें कि सिर्फ हिंदू बच्चों को तालीम दी जाती है और ख़ास तौर पर हिंदू बच्चियों को तालीम दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्कूल उस ट्यूशन सेंटर का भी विज़िट करवाऊँगा और अपने इधर हिंदू भाइयों से भी मिलवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं जी वीडियो की जानिब। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा हिंदू विलेज है। ठीक है, तो इधर जो हमारे सारे रहने वाले हैं वो सारे हिंदू हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको जी विज़िट करवाता हूँ और मिलवाता हूँ हमारे भाइयों से। ठीक है, तो ये देख लें, इधर ये वाली शॉप भी देख लें आप। ठीक है, बिलाज कुमार। तो राम राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, तो क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। ठीक है, तो ये जी इनकी शॉप है और बिलाज कुमार नाम से। तो ये वाली जो दुकान है ये आपकी है? आपकी है। ठीक है, सही हो गया। और यहाँ पे जो हमारे ये सारे घर नजर आ रहे हैं, बलराज कुमार है। अच्छा बलराज कुमार है, सॉरी वो रेज हुआ था तो पढ़ने हुआ। ठीक है, बलराज कुमार है जी इनकी शॉप के ऊपर दुकान का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई हैं, और आपका घर भी इधर ही है? घर यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये जी हिंदू धर्म से तल्लक रखते हैं। तो अच्छा, आपने जो अपने इधर मंदिर वगैरह कोई है या घर पे ही बनाया हुआ? बस मंदिर नहीं है यहाँ पे, आप अच्छा घर पे ही पूजा वगैरह कर लेते हैं। चलें, सही हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू, मेहरबानी। ओके मेहरबानी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाकी मैं आपको विलेज का विज़िट करवाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। और ये भी हमारे एक हिंदू भाई हैं। तो राम राम भाई। जय श्री राम। क्या हाल है? ठीक है, अपना तारफ करवा दो, नाम क्या आपका? माय नेम इज शारून जी, आई एम शारून जी। ठीक है, सही। तो शारून जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में। 8th क्लास में पढ़ते हो इधर? yes. सही हो गया जी। और आप इधर इसी विलेज के अंदर रहते हो? यस यस, मैं यहीं रहता हूँ, हमारा घर वहाँ पास में है। सही हो गया जी, इनका घर भी इसी विलेज में है। और पढ़ाई के अलावा और क्या काम करते हो आप? बस पढ़ाई ही है और कुछ नहीं काम करता हूँ, हमारा कुछ नहीं करते, घर पर बैठ के अपने पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं। चलें, सही हो गया, चलो ओके। तो भाई मैंने सुना है कि इधर ना कोई हमारे हिंदू बच्चियों का कोई स्कूल है छोटा। यस। ठीक है, तो आप हमें विजिट करवा सकते हैं कहाँ पे है? यस, और हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो भाई हमें लेके चलेंगे। ठीक है, तो इधर देख लें जी, ये भी हमारे एक हिंदू भाई की शॉप है। ठीक है, ये देखें, तो मैं इन भाई से भी आपको मिलवाता हूँ। ठीक है, तो राम राम भाई। जय श्री राम। क्या हाल है? ठीक हो भाई, अपना तारफ करवा दें, आपका नाम? मेरा नाम इमरान जी है। इमरान जी, ठीक है, तो ये भी हमारे एक हिंदू भाई हैं, इमरान जी नाम है इनका। और आप, ये शॉप आपकी है? जी, ये शॉप हमारी है। तो यहाँ पे जो हमारे कस्टमर वगैरह आपके आते हैं वो हिंदू ज्यादा होते हैं कि मुस्लिम भी आते हैं? हिंदू ज्यादा होते हैं क्योंकि यह हिंदू विलेज में ना, हिंदू विलेज के अंदर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी ज्यादा आती है। सही हो गया। तो फ्रेंड्स ये देख लें जी, ये पापड़ वगैरह रखे हुए हैं और बाकी ऊपर शैम्पू, और साथ में ये देखें निम्को वगैरह। ठीक हो गया, ओके भाई, मेहरबानी। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं जी स्कूल की तरफ। तो चलो भाई चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ, ये देख लें ये, और इधर जो सारे घर नज़र आ रहे हैं ये हमारी हिंदू कम्युनिटी के घर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको ले कर चलता हूँ स्कूल की तरफ। सही है, ये देख लें फ्रेंड्स, इधर जो जानवर वगैरह इधर हमारे वैसे ही बंधे हुए हैं। सही है, तो चलते हैं। किस साइड पे है भाई? इस साइड पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी चलते हैं।
सही हो गया। ये देख लें फ्रेंड्स, तो ये स्कूल है जी, और आप देख सकते हैं इधर जो है ज़्यादा हमारे बच्चियों की तालीम है क्या, और ये टीचर इनको पढ़ा रहे हैं बारे में पढ़ेंगे। तो आप मुझे बताएं कि कैपिटल लेटर जो है इंग्लिश का W है, ये हम इंग्लिश तो लिखते हैं ना चार लाइनों पर, मगर ये जो हमारा W है ये कौन सी लाइनों पर आएगा? ऊपर वाली तीन लाइनों पर। शाबाश बच्चों, अभी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स से यहाँ पे ना पाकिस्तान में बच्चों की तालीम तो होती है, लेकिन बच्चियों की तालीम पे फोकस कम किया जाता है। ठीक है, आप देख लें कि इधर इन्होंने जो हिंदू विलेज के अंदर हमारे हिंदू बच्चियों के लिए एक स्पेशल स्कूल खोला हुआ है। ठीक है, जहाँ पे ये घर के अंदर ये देख लें एक घर है जहाँ पे बच्चियों को तालीम दी जाती है। और एक होता है W से वाटरमेलन, वो क्या होता है? ठीक है, ये उस्ताद हैं इनके सर जो इन्हें पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ठीक है, मैं आपको इनसे भी मिलवाऊंगा और बच्चों का भी इंटरव्यू करेंगे। हम सुबह उसका ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। ठीक है, बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर थोड़ा सा टाइम चाहिए था आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं जिनसे। तो राम राम सर। राम राम सर, जय श्री कृष्ण। आप सुनाएं कैसे? ठीक है, शुक्र है मालिक का। और क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है शहजाद कुमार। शहजाद कुमार नाम है जी सर का। और ये स्कूल जी, इधर आप ही टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं? सर अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। सही हो गया। तो ये मेरी क्लास के बच्चे हैं। ये आपकी क्लास के बच्चे हैं और सारे के सारे हमारी हिंदू कम्युनिटी के हैं? जी, ये सारे हिंदू कम्युनिटी के हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं। ठीक हो गया। तो राम राम बच्चों। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देख लें, और ये स्कूल जो है खसूसन हिंदू बच्चियों के लिए है ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के लिए तो तालीम इधर उधर मैसर हो जाती है, लेकिन बच्चियों की तालीम थोड़ी सी मुश्किल होती है। ठीक है, तो सर से भी इंटरव्यू करते हैं। जी सर। ठीक है सर, तो आपकी कितनी एजुकेशन है? सर मेरी है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट किया हुआ है आपने जी। ठीक है, और आप कितने अरसे से इधर पढ़ा रहे हैं? जी सर, मुझे कोई साल हो गया, एक साल तकरीबन हो चुका है। सही है, बहुत ही अच्छा कदम है। तो आप बताएंगे कि ये जो स्कूल है, ये आपने अपनी मदद आपके तहत खोला है या किसी और इदारे ने खुलवाया आपको? जी मुझे किसी इदारे ने खुलवाया है। सही हो गया। तो फ्रेंड्स कहते हैं जी, एक इदारे ने खुलवा के दिया हुआ, सही हो गया जी। तो आप इधर कौन सी अभी क्या पढ़ा रहे हैं? जी अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बच्चों का। इंग्लिश के लेटर है W वाला, ये W वाला। ठीक है, तो पढ़ाएं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, दोबारा से पढ़ाएं इनको। बच्चों आप पढ़ें, कायदे खोलें, बताएं, आप मुझे बताएं कि W से क्या होगा, आपने कायदों पर पढ़ के बताएं। W मीन घड़ी होता है जो हम स्कूल जाते हैं जाते वक्त पहनते हैं। यस। और होता है W से वेल, वेल मीन कुआं, कुआं जिससे हम पानी भरते हैं। यस। और W फॉर वाटरमेलन, तरबूज, वाटरमेलन यानी तरबूज। और W फॉर विंडो, विंडो मीन खिड़की। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले इनसे जी हमारे हिंदू धर्म के अबाउट कुछ सुनते हैं। ठीक है, तो बच्चों गायत्री मंत्र किस किस को आता है? तो फ्रेंड्स देखें तकरीबन सभी को आता है, तो इनमें से किसी एक से सुनते हैं। तो बेबी आप पहले सुना दें। ठीक है, तो सुनाए। हाँ सुना दे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः शक्तिर्विश्वेयं भर्गो देवस्य धीमहि यो योनः प्रचोदयात्। जबरदस्त जबरदस्त हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पोएम किसको आती है? मुझे। ठीक है, तो आप सुनाइएगा पहले। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अबव द वर्ल्ड्स लाइक अ डायमंड इन द स्काई। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक हो गया, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम देखते हैं जी इन्होंने और क्या पढ़ा। तो अलिफ बे आप में से किस किस को आती है? सही हो गया, तो अलिफ बे आप सुना दें। हाँ सुना दे। अलिफ मदा बे पे ते ते से जिन चे हे के ताल दा सा वे रे से सी सी स्वा ज त ज ऐन गैन पे काफ काफ ना मी नू वा हम कुछ। वेरी गुड वेरी गुड। चले बैठ जाओ, बहुत शाबाश, बहुत अच्छे। क्लैपिंग हो जाए जी इनके लिए। और अभी उसके बाद ABC कौन सुनाएगा आप में से? चलें आप सुना दें, आप ABC आप सुना दें। ABCDEFGHIJKLMNOP
M N O P Q R S T U V W X Y Z. बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है गया। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे इन्होंने मतलब अपनी प्रिपरेशन की हुई है। तो अभी आप कौन सा लेसन पढ़ रहे थे, अभी कौन सा सबक पढ़ रहे थे? ठीक है, तो बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आप पढ़ें अपना, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देख लें आप, जगह के ना होने के बावजूद भी इन्होंने जो है अपनी हिम्मत को जारी रखा हुआ है और थोड़ी सी जगह में भी ख़ुद को एडजस्ट करते हुए बच्चियों की तालीम के ऊपर जो फोकस करना बहुत ही एक मुश्किल काम है, लेकिन इन भाई ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सर अंजाम दिया हुआ, ठीक है। फ्रेंड्स इन बच्चों के अंदर तकरीबन जो छोटू है हमें यही नज़र आया, तो इनसे भी मिलते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है आपका? अक्षत राठौड़, ठीक है। तो ये राठौड़ फैमिली से है जी, ठीक है। तो आप हमें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुना दें। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हेयर यू आर, अब आर वाई लाइक अ डायमंड इन द। वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक हो गया, नंबर मार गया यार। तो फ्रेंड्स ये देख लें जी, बाकी हमारे हिंदू विलेज का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, और इधर जी हमारे एक और हिंदू भाई हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगा, ठीक है। तो राम राम। जय श्री राम भाई। ठीक है, तो भाई अपना नाम बता दे पहले। वीर गोपाल हमारा नाम है। वीर गोपाल, वीर गोपाल कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं सेवन्थ। सेवन्थ क्लास में पढ़ते हो? वीर गोपाल जी सेवन्थ क्लास में पढ़ते हो, आप इधर ही रहते हो? यस, इधर में ही रहता हूँ। ठीक है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का नाम बताओ? गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल है ये, इसी गांव में है? यस, सही हो गया। तो वीर गोपाल आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और पढ़ाई अपनी जो है बिल्कुल जारी रखनी है, छोड़नी नहीं है आपने, ठीक है। तो भगवान आपको कामयाबी देगा, ठीक हो गया, ओके।